नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित, आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं Redmi 4A के बारे में, जो कि आज ही इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस कुछ रखी गई है 5,999 यानी कि 6,000 के आसपास। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हो कि Redmi 4A में क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका डिटेल्स में हम और मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो आज का वीडियो जरूर से पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि Redmi 4A आज के दिन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस रखी गई है कुछ 5,999 में, जो आपको 23 मार्च यानी कि 23 मार्च से आपको Amazon पे और EMI के स्टोर पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, EMI की वेबसाइट पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वो परचेस करना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, आप वहाँ से उसे आराम से परचेस कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम फ़ोन के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें Redmi 4A में आपको स्नैपड्रैगन का 425 क्वाड कोर CPU मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा जो कि 1.4 GHz पे क्लॉक किया हुआ रहेगा, जिसके कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आ जाएगा और पावर कंज्यूम के मामले में भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर ही ये है। और दोस्तों, इसमें आपको 5 इंच की एक 720p HD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि व्यूइंग एंगल उसके काफ़ी अच्छे हैं और आपको ये डे लाइट में भी आप आसानी से यूज़ कर पाओगे। उसके कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, आप एक अच्छे स्क्रीन देख पाओगे। लेकिन दोस्तों, MI ने यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया नहीं है कि इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है ग्लास के लिए, स्क्रीन के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास का कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको इसमें एड्रिनो आपको 308 GPU मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के मामले में कुछ इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं रहेगा, लेकिन आप नॉर्मली गेमिंग इस पर कर पाओगे। फुल हैवी HD गेम आप इस पर प्ले करोगे तो आपको थोड़े बहुत लैग देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस पर नॉर्मली आप आसानी से नॉर्मल गेम खेल पाओगे। इसमें आपको 2 GB की रैम आएगी, 16 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी, जिसे आप 128 GB तक उसे एक्सपेंड कर पाओगे। दोस्तों, इसमें आपको फ़ोन में जितने भी जो जायरो सेंसर है, अप्रॉक्सीमेटली लाइट एम्बेड लाइट सेंसर, सारे के सारे सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट फ़ोन है, 6,000 रुपये में Xiaomi ने लॉन्च किया है, इसलिए इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सारे सेंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसलिए आपको ये फ़ोन एक काफ़ी अच्छा और एक पिक है हमारी ओर से, इसलिए इस फोन को 6,000 के प्राइस में सारे आपको सेंसर मिल जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें बैटरी की बात करें तो आपको 3120 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप नॉर्मल एक यूज़र हो तो आपको पूरे दिन के लिए इसका बैटरी बैकअप मिल जाएगा, लेकिन आप हैवी यूज़र हो तो आपको ये बैटरी आपको शाम तक चार्ज करनी पड़ जाएगी, लेकिन आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको ये पूरे दिन एक का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो बैटरी आई है वो आपको सील्ड आएगी फ़ोन में, आप उसे रिमूव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये दिखने में पूरा मेटल जैसा फिनिशिंग में दिखता है, लेकिन ये आपको एक प्लास्टिक का आएगा, मतलब कि आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का ये बना हुआ फ़ोन है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये एक यूनिमेटल बॉडी के साथ नहीं है। दोस्तों, इस फोन के वेट की बात हम करें तो इसमें ये आपको 131 ग्राम का आएगा, जो कि काफ़ी लाइट है और आपको नॉर्मली यूजेज में भी आपको इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आप उसे आसानी से ग्रिप भी कर पाओगे, लेकिन ये एक काफ़ी स्लिम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक लाइट फ़ोन है, बहुत ही लाइट वेट वाला फ़ोन है, जो कि एक उसका प्लस पॉइंट भी माना जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात, इसमें आपको 4G वॉल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि इसमें आप आसानी से आपका जियो का सिम चला सकोगे और वॉइस कॉलिंग भी कर पाओगे, जो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा पिक है। 6,000 के फ़ोन में आपको उससे MIUI 8.0.1 मिल जाएगा इसमें, जो कि है मार्शमेलो पे आपको आएगा। और इसमें दोस्तों, सबसे मेन बात क्या, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, जिसकी वजह से आप आइदर 2 सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड को यूज़ कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दोनों सिम भी यूज़ करना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी पहले बना था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो फॉलो करके आप जान पाओगे कि आप किस तरह से कोई भी Xiaomi के फ़ोन में या कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट वाले फ़ोन में आप आसानी से 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड किस तरह से चला पाओगे।
दोस्तों इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ आपको रियर कैमरा मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरा भी जो है इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का अपर्चर f2.2 पे ही मिलेगा, जिसकी वजह से आपको डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप नॉर्मल यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में अगर आप इस कैमरे से फोटो क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉइस देखने को मिल जाएगा, और डे लाइट में आपको इसमें काफ़ी अच्छी फोटोज भी आपको ले पाओगे। तो 5 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आपको दिया गया है, जो कि जो रियर कैमरा है उसमें आपको सिंगल टोन LED फ्लैश मिल जाएगी। दोस्तों 6000 के प्राइस सेगमेंट में इसमें जो कुछ मिल रहा है आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मेरी ओर से मेरा अगर आप ओपिनियन पूछोगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 6000 के प्राइस में MI ने ये काफ़ी अच्छा और बजट वाला फ़ोन बनाया है, जिसमें आपको सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल एक यूज़र हो तो आपको इसमें गेमिंग भी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा, और अगर आप एक हैवी यूज़र हो जैसे कि आप मल्टीटास्किंग भी ज़्यादा करते हो तो भी आपको नॉर्मली इस फ़ोन में आसानी से आप यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हमने स्पेक्स को तो आपको बताया, लेकिन इसमें आपको सारे सेंसर भी मिल जाते हैं, इसकी वजह से भी ये काफ़ी अच्छा, इसको वैल्यू फॉर मनी माना जा सकता है इस फ़ोन को। तो दोस्तों इसमें आपको डे टू डे यूजेज में भी आपको इसमें आसानी से आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर पाओगे और आपको नॉर्मली। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 23 मार्च से आपको Amazon और MI के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक भी रखा है, आप वहाँ से भी उसे आसानी से परचेस कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपको Redmi 4A के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल लेके आएंगे, जिसमें आपको ये फ़ोन को किस तरह से अनलॉक करना है, बूट लोडर को किस तरह से अनलॉक रूट करना है, वो सारी हम प्रोसेस आपको बताएंगे। तो अगर आपको वो सारे वीडियो भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों और जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताने ही वाले हैं, लेकिन आपको जिन लोगों को पसंद आया वो आप प्लीज़ मुझे एक नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।